अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता है। देश में हिंदू अल्पसंख्यक होता जा रहा है। तोगड़िया ने सीए और एनआरसी का समर्थन किया और कहा कि कश्मीरी हिंदुओं की भी घर वापसी होनी चाहिए। तोगड़िया ने रोजगार को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। किसान नेता राजेश राय की श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करने पलारी पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने राम मंदिर को लेकर कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का श्रेय कार सेवकों और सुप्रीम कोर्ट को जाता है। अर्थव्यवस्था को लेकर तोगड़िया ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था ऑक्सीजन पर निर्भर है, उसको सुधारा जाना चाहिए। तोगड़िया ने एनआरसी और सीए का समर्थन करते हुए कहा कि नागरिकता संशोधन कानून से दूसरे देशों के हिंदुओं को नागरिकता मिलेगी, पाकिस्तानी हिंदुओं का स्वागत है, लेकिन 30 वर्षों से भारतीय शरणार्थी कश्मीरी हिंदुओं की घर वापसी कब तक होगी, यह बड़ा सवाल है। देश में हिंदू अल्पसंख्यक होता जा रहा है। देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की सख्त आवश्यकता है। अभी तो नागरिक संशोधन कानून की बात है, वह पाकिस्तानी शरणार्थी हिंदुओं को नागरिकता देती है तो उनकी ज़रूरत थी, हम उनका स्वागत करते हैं, पर पाकिस्तानी शरणार्थी हिंदुओं की सुरक्षा करते हैं तो भारतीय शरणार्थी हिंदू 30 वर्षों से कश्मीरी हिंदू शरणार्थी है, उनकी घर वापसी का क्या, क्यों नहीं हुआ? और पूरा देश का हिंदू अल्पसंख्यक होकर शरणार्थी होने के कगार पर है, जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाकर पूरे देश की हिंदुओं की सुरक्षा हुई। हमारा कहना है कि पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं की भी सुरक्षा हो, कश्मीरी हिंदुओं को घर वापसी के साथ उनको भी सुरक्षा मिले। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।